हाय हेलो नमस्कार मुझ जसवंत आपको स्वागत करुच्च बिंगेन चैनल को। तो पुणि गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आज आम भिडियो कौन कथा जाऊे ना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो आपने जानते हैं आम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बहुत गुड़े क्वेश्चन आसवर अच्छी ओटी पुलिस। तो आज आम से विषय डिस्कसन करवा। आउ हाँ आगू आम इमेज बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नर्सिंग रिलेटेड सब डिस्कसन कर सारी। जदि आपने देखी ना जाकर डिस्क्रिप्सन में सब भिडर लिंक अच्छे देखिपारे ना चैनल को जाकर भिजिट कर देखिपारे। आमको यही भाव सपोर्ट करूँ आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग भिडियो प्रोवाइड करू। हाँ जदि आपको भिडियो भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सब ग्रुप्रे भिडियो को शेयर करूँ जमीक सब पिलाकर भिडियो पहुँच पार। आ सब भिडियो भाई ये भिडियो आपको आम दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार जोटा कि आम चार नंबर आ आठ नंबर में अच्छी। जदि तार रईट आंसर आपको जना अच्छी तो तेज़े जल्दी जल्दी कमेंट कर दिखाँ आम आप कमेंटर अपेक्षार अच्छू। हाँ जदि जो पाला रईट आंसर जना ना जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना जमा भी वरीड हूँ ना आम आपको नेक्स्ट भिडियो आपको तार एक्सप्लेनेशन सहित तार डिटेल आंसर आपको कहीदेव। यहाँ है आम फोनपे आ पेटीएम नंबर। जदि आपको भिडियो टिके भी हेल्पफुल लगुच टिके भी भल लगी आम हार्डवर्क को आपने सपोर्ट करने चाहते निश्चित आपर कैपेबल अनुसार आपने पेमेंट करेंगे। हाँ प्रीवियस भिडियो देखिए बहुत पाने पेमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद यमी आमको सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग भिडियो प्रोवाइड करूँ। हाँ आउ गोटे कथा आपको कही रखुच्छी आम चैनल में जाकर जॉइन हो जातु जो देखो सब्सक्राइब बटन अच्छे से जॉइन बटन भी आप आसी जाइए जोटा कि आपने जॉइन कर दिखाँ जमीक आपने किसी आम एक्सक्लूसिव मेम्बर होते जोटा कि आपको बहुत हेल्पफुल हम आम जो कि एक्सक्लूसिव मेम्बर ओनली भिडियो प्रोवाइड करूँ ना किसी भी डिस्कसन आम केवल मेम्बर मैं करूँ ठीक अच्छे। तो जदि आपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना तो जाकर शीघ्र शीघ्र जॉइन होती जमीक छोट बड़ अपडेट शीघ्र आपने ठीक अच्छे। आसन आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व गत जो वीडियो दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार तार राइट आंसर आपको कह रखुच्छी तो निश्चित मन रखिए। तो फास्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको देता राइट आंसर आपको कहार था कि ये कौ इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन था आर्टरी फोरसेप्स नीडल होल्डर टिश्यू होल्डर स्पंज होल्डर। तो बहुत पिलाने बाबूची राइट आंसर देखते जोटा कि राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी दैट इज स्पंज होल्डर ठीक अच्छे। तो सब पिला जो मैंने राइट आंसर देते बहुत बहुत धन्यवाद। आ जो मैंने टी कन्फ्यूज हो भूल आंसर देखते रंग आंसर देखते जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना देखूँ इंस्ट्रूमेंट टी देखु यही देखूँ तार जो पूरा सभा अगरे कौन अच्छी ना एमती रिंग 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 अच्छी जोटा कि कौन कै ना जोटा कि स्पंज कि आम गज होल्ड करने गज आम फोल्ड गज होता है होल्ड करने ग्राफ करवाई आमको हेल्पफुल होता है। तो जमा भी कन्फ्यूज होनी इमेज टी देखूँ इमेज टी कौन एटा दैट इज स्पंज होल्डर ठीक अच्छे। तो जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना थे मन रखु जमी आप जमा भी भूलिबे ना ठीक अच्छे। स्पंज होल्डर यूजेस आपको कह रखुच्छी देखो तो कौन कहला तार एक्सप्लेनेशन है द रैम्पली स्पंज होल्डर इज कमनली यूज टू होल्ड ए स्वाब व्हिच कैन बी यूज टू क्लीन एंड प्रेप द स्किन ए स्वाब कैन ऑल्सो बी रैप्ड अराउंड द जॉज ऑफ द स्पंज होल्डर एंड द यूज टू डिसेक्ट टू डैब ब्लीडिंग पॉइंट्स और टू डेलिकेटली रिट्रैक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स और टिश्यू द सो कॉल्ड स्वाब ऑन ए स्टिक। कौन कहला आमर स्पंज होल्डर आम कौन यूज हुए देखो स्पंज होल्डर कौन हुए ना आम स्वाब को होल्ड करने यूज हुए जोटा कि आम स्वाब आम कौन करूँ ना क्लीन करूँ आम प्रिप करूँ स्किन को आउ भी आम कौन यूज करूँ ना आम स्वाब जोटा कि फोल्ड स्वाब को कौन करूँ ना जो डिसेक्टेशन होमर गोटे कटा होती आम होल्ड करके मैं टाइट कर धरू मानते दबेकर धरू जोटा कि आम ब्लीडिंग को हेल्प हुए ठीक अच्छे। तो भाव आपने निश्चिंत बुझीपारे तो आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन टी गत भिडियो आम डिस्कशन करवा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन थिला तो क्वेश्चन टी थिला आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट टी कौन आपको ये राइट आंसर कहार था भाई बहुत पिला राइट आंसर देते जोटा कि देखो ऑप्शन कौन थिला ना थर्मोमीटर ना फिटल मॉनिटर ना जॉन्डिस मीटर ना ग्लूकोमीटर। तो बहुत पिला जो राइट आंसर देते दैट इज ऑप्शन सी दैट इज जॉन्डिस मीटर इज द राइट आंसर ठीक अच्छे। तो जमा भी कन्फ्यूज होनी यहाँ हूँ कौन दैट इज ट्रांसक्यूटानियस जॉन्डिस मीटर जोटा कि आम गोटे बेबी रोटे चाइल्ड रि आम जॉन्डिस अच्छी देन आम यहाँ जॉन्डिस मेजरमेंट करने जॉन्डिस को डिटेक्शन करने हेल्पफुल होता है ठीक अच्छे। आर मुझ एक्सप्लेनेशन आपको देखे दूसरी तो भलसे देखो तो एक्सप्लेनेशन कौन दे ना द ट्रांसक्यूटानियस जॉन्डिस मीटर फ्रॉम डेल्टा मेडिकल इंटरनेशनल ऑफर्स ए रिलायबल नॉन इनवेसिव मेथड फॉर स्क्रीनिंग बेबीज फॉर जॉन्डिस द प्रोडक्ट इज कन्वीनिएंट इफेक्टिव एंड प्रूवन रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ब्लड सैंपलिंग एंड
एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट डेवलपमेंटल केयर प्रैक्टिस कौन कहला ना ये जो आम रहा ट्रांसक्यूटेनस जंडिस मीटर ये कौन ना नॉन इनवेसिव आम किसी भी ब्लड ड्र करानी देन आम केवल स्किन को कंटाक्ट कर जापर जोटा कि आमर कौन ना बेबीज मान जंडिस डिटेक्शन करने हेल्पफुल स्क्रीनिंग करें हेल्पफुल आईटा कौन ना आम एटा कन्वीनियंट आउ रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ब्लड सैंपलिंग कौन कहला ना आम ब्लड सैंपल आउ कलेक्ट करिया को पड़े नहीं जोटा कि आम नॉन इनवेसिव जोटा कि आम बॉडी आम ट्रांसक्यूटेनस माने पूरा स्किन को टच करी आम जापर कि आम जंडिस अच्छी कि ना बेबी ठीक अच्छे तो भाव आपने निश्चिंत बुझीपारे तो आज वीडियो सेक्शन को आसतु स्टार्ट कर आज इंटरेस्टिंग वीडियो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप कौन अच्छी देखो ओम्फालाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न्स कौन कहला ना ओम्फालाइटिस कहले आमर को इन्फेक्शन न्यूबॉर्न मानक देखो ऑप्शन ए कौन देती ओम्फालाइटिस कहले आईज ना इयर्स ना फारिंग्स ना अम्बिलिकल कॉर्ड देखिबा केते पिला राइट आंसर दउछन्ते केते पिला तांका पाठ पढ़ा बुझे निजे कनसर्न अच्छा ठीक अच्छे तो ओम्फालाइटिस कहले आम को कहार इन्फेक्शन को बुझाऊ ठीक अच्छे तो देखिबा राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड रो आमर इन्फेक्शन को कॉर्ड कौन कहा जाए दैट इज ओम्फालाइटिस ठीक अच्छे तो देखो आमर अम्बिलिकल कॉर्ड रो अदर नेम आपण माने जानिथिबे जोटा रहिला आमर ओम्फलस ठीक अच्छे ओम्फलस होउछि आमर अदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड देन इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉल्ड ओम्फालाइटिस ठीक अच्छे तो ओम्फालाइटिस रो एक्सप्लेनेशन देखु एक्सप्लेनेशन कौन देती ना ओम्फालाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकस and our surrounding tissue occurring primary in the neonatal period it is limited to around the umbilicus in the majority of newborns however it can rapidly progress to a systemic infection and death with an estimated mortality rate between 7% to 15% कौन कहला ना ओम्फालाइटिस जो इन्फेक्शन रहा आम अम्बिलिकस अम्बिलिकल कॉर्ड रोटा कि कौन है ना आम सराउंडिंग टिश्यू अम्बिलिकल जो सराउंडिंग टिश्यू रहा आम मेनली सेटा अफेक्टेड होता है को पीरियड में ना नियोनेटल पीरियड में जोटा कि आम जो अम्बिलिकल कॉर्ड डाइसेक्शन होता है आउ किसी जो अम्बिलिकल कॉर्ड आम लगी थाए तो सहीटा ही आम मेनली इन्फेक्शन कराई थाए तो सहीटा कौन कहला ना ये इन केस माने बहुत केस रे मध्य एटा डेथ आड़ को माने गति करे जोटा कि हमर मोर्टालिटी रेट के देला दैट इज 7% टू 15% ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चिंत बुझी पार्थिवे तो देखु तार इमेज टी देखिए देखो आमर ये रहा अम्बिलिकस देखु तार इनफेक्शन मेनली ये पस पस पूरा हो जाए जोटा कि आम इनफेक्शन होट इज ओम्फालाइटिस आमर ये ठीक अच्छे तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपंपाई कौन अच्छी तो क्वेश्चन नंबर दुई देखो मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूसिल जोटा कि आपको पूर्व कही कि आज आम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पूरा डिस्कशन करने जाऊे तो वीडियो को भलसे देखो मीनिंग ऑफ द टर्म मेनिंजोसिल कहले कौन मैंने मेनिंजोसिल कहले आमर कौन बुझाए आमको ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखो ऑप्शन ए कौन देती ना सीएसएफ कलेक्टेड इन ए सिस्ट ना स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन्स इन प्रोट्यूड आउट ना ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्यूड्स ना द मेनिंजेस प्रोट्यूड आउट थ्रो द स्पाइनल कॉर्ड ठीक अच्छे तो मेनिंजोसिल कहले आमर कौन बुझाए आमर सीएसएफ रे सिस्ट हेबा ना स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन इन प्रोट्यूड आउट ना ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्यूड ना द मेनिंजेस प्रोट्यूड आउट थ्रो द स्पाइनल कॉर्ड ठीक अच्छे तो यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जोटा कि मेनिंजोसिल बहुत केस देखा जाए चाइल्ड रे तो देखा केते पिला राइट आंसर दउछन्ती राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज द मेनिंजेस प्रोट्यूड्स आउट थ्रो द स्पाइनल कॉर्ड ठीक अच्छे जमा व्यस्त हूँ ना कन्फ्यूज हूँ ना मुझे निश्चिंत एक्सप्लेनेशन कहीदेवी जमा भी वीडियो को स्किप करूँ ना ठीक अच्छे तो देखो एक्सप्लेनेशन कौन देना ना आम मेनिंजोसिल कहले कौन बुझा देखो मेनिंजोसिल इज ए प्रोट्यूजन ऑफ ए स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड सैक ऑफ मेनिंजेस थ्रो ए बोनी डिफेक्ट इन द पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ द स्पाइन विदाउट एसोसिएटेड न्यूरल टिश्यू हार्निएशन ठीक अच्छे तो ये कौन कहला ना आम मेनिंजेस जोटा कि आम स्पाइनल कॉर्ड रो आउटर कवरिंग जो रहा मेनिंजेस से कौन हुए ना प्रोट्यूड हो जाए प्रोट्यूड मान कौन ना आम बाहर को बाहरी जाए ठीक अच्छे मुझे इमेज आपको देखेदेवी तो दैट इज कौन प्रोट्यूड कहले आम बाहर को बाहर जाए जोटा कि आम नॉर्मली एमती मन थाए बाहर को प्रोट्यूड हो जाए बाहरी जाए ठीक अच्छे तो ये कौन कहला ना आमर जो रहा मेनिंजेस सेटा मेनली कौन हुए ना आमर बाहर को बाहर को आम प्रोट्यूड हो जाए जोटा कि स्पाइनल कॉर्ड रो मेनिंजेस ठीक अच्छे तो सेठी कौन हुए ना केवल आमर कौन थाए ना सीएसएफ स्पाइनल फ्लूइड थाए
किंतु कौन नथाय न्यूरल टिश्यू नथाय बा हमर किछि भी हमर जो रहिला एसोसिएटेड नर्व नर्व किछि नथाय केवल हमर मेनिनजेस्टा प्रोट्रूड हो जाइथे स्पाइनल कॉर्ड भीतर ठीक अछि किंतु किछि भी हमर नर्व एसोसिएटेड हे नथाय किंतु जदी हमर जो रहिला मेनिनजेस प्लस हमर नर्व हमर एसोसिएटेड हे थाय ताको हमें कौन बोली कहू दैट इज मेनिनजो मायोसिल ठीक अछि एटा रहिला हमर कौन दैट इज मेनिनजोसिल सेटा रहिला मेनिनजो मायोसिल ठीक अछि मु आपन मध्ये दुइटा रो एक्सप्लेनेशन मध्ये कहि देबी जमे भी कन्फ्यूज होन नै देखंतु मेनिनजोसिल त आपन माने भाउजी बुझी गले जोटा कि हमर केवल मेनिनजेस प्रोट्रूड हबो देन हमर नर्व किछि भी तार कांटेक्ट रे रहिबो नै किंतु मेनिनजो मायोसिल बा हमर माइलो मेनिनजोसिल कहले कोन ना माइलो मेनिनजोसिल इज ए सिवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बिफिडा इन व्हिच द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स डेवलप आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड आर कंटेंट इन द फ्लूइड फिल्ड सैक दैट इज विजिबल आउटसाइड ऑफ द बैक एरिया कौन कहला ना मेनिनजो मायोसिल कहले कौन ना दैट इज जोड़ा हमर रहला जोड़ा कि हमर कौन ना स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स डेवलप आउटसाइड ऑफ द बॉडी ठीक अछि कौन कहला ना हमर जो स्पाइनल कॉर्ड रहला मेनिनजेस रहला सेटा मेनली प्रोट्रूड हो जाय थाय बा बाहर को बाहर जाय थाय आ ता धरे कौन हमर नर्व्स भी हमर माने ता भीतर डेवलप होय थाय बा हमर नर्व्स भी हमर इन्वॉल्व होय थाय ताको हम कौन बोली कहबा दैट इज मेनिनजो मायोसिल किंतु मेनिनजो सिल रे हमर नर्वटा जो रहला हमर ता भीतर जाय नथाय बा इन्वॉल्व बा डेवलप हम ता भीतर होय नथाय जोटा कि मेनिनजो सिल मेनिनजो मायोसिल जमे भी कन्फ्यूज होबे नि देन हमें नेक्स्ट को जीवा तो आपण मन मनर मध्य आसो क्वेश्चन कि स्पाइना बिफिडा कौन ठीक अच्छे तो स्पाइना बिफिडा इज ए बाथ डिफेक्ट इन व्हिच एन एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉलम डज नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली लिविंग ए सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स एक्सपोज थ्रू एन ओपनिंग इन द बैक तो कौन कहला ना हमर मेनिनजो सिल आ मेनिनजो मायोसिल दीटा कहूँ हमर स्पाइना बिफिडा तो स्पाइना बिफिडा कहले कौन स्पाइना बिफिडा हूँ गोटे बाथ डिफेक्ट जो थे कि कौन हुए ना हमर जो स्पाइनल कॉलमटा रहिला सेटा क्लोज हो नए टोटल बंद हो नए प्रॉपर्ली तो से कौन करे ना आम स्पाइनल कॉर्ड आउ आम जो स्पाइनल नर्व रहा सेटा ओपनिंग हो जाए थे जो पछपटे आमको देखा जाए जोटा कि स्पाइनल कॉर्ड आउ स्पाइनल नर्व तो सेटा को आम कौन कहू स्पाइना बिफिडा किंतु आमर जो रहा मेनिनजो सिल कहले कौन मेनिनजो सिल कहले आम जब मेनिनजेस जोटा कि रहा प्रोट्रूड हो जाए स्पाइनल कॉर्ड रु ताको आम कौन बोली कहू दैट इज आमर मेनिनजो सिल आउ जदि आमर एथिरे मेनिनजो सिल रे नर्व इन्वॉल्व हुए ना किंतु जदि आमर नर्व इन्वॉल्व हैला आउ प्रोट्रूड आमर जो रहला स्पाइनल कॉर्ड आउ मेनिनजेस हैला देन आमे ताको कोन बोल कहू दैट इज माइलो मेनिनजेसिस और आमर मेनिनजो मायोसिल तो जमा भी कन्फ्यूज होबेनि मेनिनजो सिल आउ मेनिनजो मायोसिल जदि आपणकर मन रहउ नै निश्चिंत खाता कलम रे लेखिक रखंतु नल वीडियो को स्किप करी पॉज करी निजे मन रखंतु ठीक अछि तो भाऊजी बहुत पिला माने निश्चिंत बुझी पर्थिबे तो देखंतु आपणकु मु इमेज मध्ये कहि रखुछि मेनिनजो सिल रे कोन हुए ना हमर जोटा रहला मेनिनजेस मेनिनजेसटा आमर प्रोट्रूड होता है किंतु मेनिनजो मायोसिल आमर माइलो मेनिनजो सिल रे कौन हुए ना आमर रहा जो स्पाइनल कॉर्ड आउ तार जो नर्व रहा आमर ता सहित आमर प्रोट्रूड होता है जोटा कि आमर कौन ना माइलो मेनिनजो सिल आमर मेनिनजो मायोसिल ठीक अच्छे तो भाव आपको डिफरेन्स निश्चिंत बुझा पड़ो तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर देखो व्हिच इज ए कॉमन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टाइल डायरिया ठीक अच्छे तो कौन कहला ना आमर कौ एजेंट आमर रेस्पॉन्सिबल इनफर्टाइल डायरिया आमर कौ एजेंट रेस्पॉन्सिबल देखो ऑप्शन रोटा वायरस ना इकोली ना इ हिस्टोलाइटिका ना स्ट्रेप्टोकोकी तो आई चारटी ऑप्शन भितर आमर इनफर्टाइल डायरिया रे कौ एजेंट आमर रेस्पॉन्सिबल थाए ठीक अच्छे तो यही ऑप्शन चार जब आपको राइट आंसर जना अच्छे तो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज इनफर्टाइल डायरिया रे आमर किए आमर रेस्पॉन्सिबल मेनली थाए दैट इज ऑप्शन ए दैट इज रोटा वायरस तो रोटा वायरस गोटे एजेंट जोटा कि कॉमन रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टाइल डायरिया ठीक अच्छे तो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन में देखे दूसरी देखो रोटा वायरस इज द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टाइल डायरिया वर्ल्ड वाइड एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नियर बाय आमर जितिक रहला देखंतु केते दे जी 500,000 डेथ्स पर ईयर इन चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ द 5 इयर्स मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज ठीक अच्छे कौन कहला ना आमर इनफर्टाइल डायरिया कौ एजेंट बा कौ एजेंट द्वारा आमर इनफर्टाइल डायरिया होता है दैट इज रोटा वायरस ठीक अच्छे तो रोटा वायरस आमर इनफर्टाइल डायरिया
कजेटिव एजेंट। तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जोटा कि आप अच्छे इमेज बेस्ड क्वेश्चन टी तो भलसे देखो आज राइट आंसर आपको जना तो सांगे सांगे तले निश्चिंत कमेंट कर दिखाँ। क्वेश्चन टी देखो चार नंबर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ इज तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ कौन इंस्ट्रूमेंट आपको कहार अच्छी ठीक अच्छे ऑप्शन देखो गिलिस फॉरसेप ना डेबाकी फॉरसेप ना स्पेंसर वेल्स फॉरसेप ना एडसन फॉरसेप तो देखा कितने पिला राइट आंसर कौन आदि आपको राइट आंसर जना तले सांगे सांगे कमेंट कर दिखाँ। आम आप कमेंटर अपेक्षा रही आप कमेंटर निश्चिंत रिप्लाई देवु ठीक अच्छे भलसे आग इमेजटी देखु तापर आप चार ऑप्शन भितर जल्दी जल्दी राइट आंसर तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ। तो ठीक अच्छे आप कमेंट अपेक्षा रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पांच नंबर फेल्युअर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विथ नोज एलिवेशन ऑन फ्रंटल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग इंट्राउटेराइन डेवलपमेंट इज कॉल्ड तो कौन कहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आउ जोटा कि रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो ये कौन दे भलसे क्वेश्चन टी पढ़ु फेल्युअर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी तो जो मैक्सिलरी आपने गेस करूँ मैक्सिलरी कहे कौन आम मैंडिबल कहे कौन तो आम जो जो फ्यूजन मिसाई तो मैक्सिलरी प्रोसेस जो आम जो फ्यूजन हुए ना आम फेल्युअर ऑफ फ्यूजन हुए विथ नोज एलिवेशन ऑन फ्रंटल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग इंट्राउटेराइन डेवलपमेंट तो आम कौन बोली कही था ठीक अच्छे भावी आपने क्वेश्चन टी बुझीपारे तो ऑप्शन टी देखु आम देखो क्लेफ्ट लिप कहू ना क्लेफ्ट पैलेट बोली कहू ना क्लेफ्ट क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोली कहू ना पालाटो प्लास्टी बोली कहू ठीक अच्छे तो देखो ये चार ऑप्शन भितर जब आपको राइट आंसर जना अच्छी तो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ। तो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज कौन देना फेल्युअर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी आपने जानते हैं यहाँ हो मैक्सिला देन यहाँ हूँ आम मैंडिबल तो मैक्सिलरी जो आम फ्यूजन होना मिसुना किसी गैप रही जाए तो आम कौन बोली कही था ठीक अच्छे जिते आम मैक्सिलरी प्रोसेस रे जो रहा नाजाल प्रोमिनेंस आमर यही प्रोसेस रे आमर कौन हो जिते आमर गैप रही जाए तो आम कौन बोली कहू ठीक अच्छे दैट इज आर राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए दैट इज क्लेफ्ट लिप तो आम क्लेफ्ट लिप बोली कहू जमा भी कन्फ्यूज होबेनी क्लेफ्ट पैलेट उपर तो आम कौन बोली कहू दैट इज क्लेफ्ट लिप तो आपको मुझे सबूर ये जो सब देखिए सब ऑप्शन सबूर डिस्कशन करदेवी कि क्लेफ्ट पैलेट क्या कहते क्लेफ्ट लिप क्या कहते सबूर इमेज आपको देखेदेवि जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना तो मन रखु तो देखो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देखे दूँ कौन कहला ना ए क्लेफ्ट लिप इज ए फिजिकल स्प्लिट और सेपरेशन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द अपर लिप एंड अपीयर्स एज ए नैरो ओपनिंग और गैप इन द स्किन ऑफ द अपर लिप ठीक अच्छे कौन कहला ना आम अपर लिप्रे मैक्सिला प्रोसेस रे कौन हुए ना किसी गैप रही जाए जोटा कि आम कौन बोली कहू दैट इज क्लेफ्ट लिप जोटा कि आम कौन बोली कहू दैट इज क्लेफ्ट लिप ठीक अच्छे तो आप मनरे तो आप मनरे क्वेश्चन आसो कि क्लेफ्ट पैलेट क्या कहुए देखो क्लेफ्ट पैलेट कौन ना क्लेफ्ट पैलेट हैपेंस इन द टिश्यू दैट मेक्स ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ डज नॉट जॉइन टुगेदर कंप्लीटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कहला ना आम डेवलपमेंट होता है आम प्रेगनेंसी टाइम रे कौन हुए ना आम पैलेट बा रूफ ऑफ द माउथ जोटा कि रहा दातरु पटी आड़ को जोटा जाइए तो से जो पर्सनटा कौन हुए ना आम क्लोज हो न था तो आम कौन बोली कहू आम कहू क्लेफ्ट पैलेट ठीक अच्छे तो आपको इमेज टी देखेदेवी भाजी आपत निश्चिंत बुझीजे ठीक अच्छे तो देखो इमेज टी कौन देखो यहीटा हूँ आम यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप जोटा कि गोटे गोटाए आमर होमर गोटाए सेपरेसन अच्छी आम क्लेफ्ट लिप यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप आम कहे देखो ए इमेज रे सेकंड इमेज रे कौन ना दैट इज बायलैटरल क्लेफ्ट लिप जो कि दुईटी आम जो सेपरेसन हो बायलैटरल क्लेफ्ट लिप कहे कि क्लेफ्ट पैलेट रे कौन हो देखो क्लेफ्ट पैलेट रे केवल पैलेट बा आमर फ्लोर ऑफ द माउथ जोटा कि आपको कहली दातरु जो आम पटी आड़ को जाइए यही पर्सनटा आम देखो फ्यूजन होनी मिसी तो आम कौन बोली कहू दैट इज क्लेफ्ट पैलेट तो क्लेफ्ट पैलेट आउ क्लेफ्ट लिप निश्चिंत कन्फ्यूज हे ये मन रखुद जमी जमा भी कन्फ्यूज हेबे लाइफ रे ठीक अच्छे तो क्लेफ्ट लिप रे कौन हो फ्यूजन हो जो मैक्सिला प्रोसेस रोज अपर लिप हो जो फ्यूजन होना फेल्युअर ऑफ फ्यूजन को मिसुना तो आम कौन बोली कहू ना क्लेफ्ट लिप किंतु जदि आम रूफ ऑफ द माउथ अथवा आम पैलेटा फ्यूजन होनी मिसुनी देन आम कौन बोली कहू दैट इज क्लेफ्ट पैलेट ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हेबेनी तो आपको मुझे देखिए आउ गोटे इमेज देखूँ तो क्लेफ्ट पैलेट कहले केवल आम जो पैलेट रहा फ्लोर ऑफ द माउथ से आम फ्यूजन हो न थाएर से किसी मानने कणा थाएर मिसी न थाए ठीक अच्छे कितु
ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍। ତ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ସେଇଟା କ'ଣ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଥ, ମାନେ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ହେଇଥିବ ବା ଆମର ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଉଥ୍ ବି ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇନଥିବ, ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ବି ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଅପର୍ ମ୍ୟାଗଜିଲାରି ବା ଅପର୍ ଲିପ୍ ରହିଲା ବା ଆମର ମ୍ୟାଗଜିଲା ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଇଟା ବି ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହୁଥିବ। ତ ଭଲସେ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ଏଇଭଳି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ OTPLS ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ପ୍ରୋସିଜୋର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମର କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର, ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର କହିଥାଉ, ପାଲାଟୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ ନା ମାଉଥ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ ନା ଚେଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ ନା ଆଲଭିଓଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ବେବିର ଯଦି ଆମର କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର ବା ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର ଅଫ୍ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାନେ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ର ରିପେୟାରମେଣ୍ଟକୁ ବା ରିପେୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାଛିବାର ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚେଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତ ଚେଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହିଲେ ଆମର ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାଲାଟୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତ ପାଲାଟୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହିଲେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍। ତ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ର ଯଦି ଆମର ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାଲାଟୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମାଉଥ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆଲଭିଓଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲଭିଓଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଟଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ବା ଟଙ୍ଗର ଗୋଟେ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଆଲଭିଓଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ରିପେୟାର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସର୍ଜରୀ କଲ୍ଡ ଚେଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ବେବି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ। ଦ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ରିପେୟାର ଆର୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କ୍ଲେଫ୍ଟ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମେଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଅପର୍ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଜ୍। କ'ଣ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ହୁଏ ବା ଆମର କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ର ରିପେୟାର ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚେଲୋପ୍ଲାଷ୍ଟି। ଚେଲୋପ୍ଲାଷ୍ଟିରେ ମେନ୍ ଆମର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ନା, ଆମର କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ରିପେୟାର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେବ ନା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମେଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅପର୍ ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ଅପର୍ ଲିପ୍, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିମେଟ୍ରି କରିବା, ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଲିପ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇ ରିପେୟାରର ଆମର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଫୋର, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚେଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗେସ୍ କରି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ WHO ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର WHO ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମର କେତେ ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର କେତେ କେଜିରୁ କମ୍ ବା କେତେ କେଜିକୁ ଆମେ ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଏ 2.3 କେଜି ନା 2.5 କେଜି ନା 2.7 କେଜି ନା 2.9 କେଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାଛିବାର ଅଛି କି ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ କହିଲେ ବା LBW ବେବି କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ୱେଟ୍, ତାଙ୍କର କେତେ ୱେଟ୍, ଗୋଟେ ବେବିର କେତେ ୱେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ ବେବି ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2.5 କେଜି। ତ 2.5 କେଜି ବା ଆମର 2500 ଗ୍ରାମ, 2500 ଗ୍ରାମରୁ ଯଦି ଆମର ହେଉଛି କମ୍, ତ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ବା ସେଇ ବେବିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ ବେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ବାଇ ଦି WHO ବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଟ୍ ଆଟ୍ ବାଥ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2500 ଗ୍ରାମ ଅର୍ ଆମର ରହିଲା 5.5 LBU, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସାଇଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ଓଭରଅଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ 15-20% ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବାଥ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଆର୍ ଲୋ ବାଥ୍ ୱେଟ୍, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 20 ମିଲିୟନ୍ ବାଥ୍ସ ଏ ଇୟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା LBW ବେବି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ WHO ଆମର କେତେ ନା 2500 ଗ୍ରାମ ବା 2.5 କେଜି
आमर जदि रोची लेस देन रोचे आम कौन बोली कहू दैट इज आम रहा जोटा लो बाथ वेट ठीक अच्छे तो देन कौन कहला ना लो बाथ वेट आम मेनली 15-20% ओवरअल्ली आमर मेनली आम बाथ होती लो बाथ वेट बेबी आ कौन दैट इज 20 मिलियन बाथ्स इन ए इयर तो वर्ल्ड वाइड आम 20 मिलियन बाथ गोटे वर्ष जोटा कि आम लो बाथ वेट बेबी ठीक अच्छे तो भाजपा आप निश्चित बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी आठ नंबर क्वेश्चन देखो जोटा कि आप क्वेश्चन अच्छी आपको बतेबार अच्छी कमेंट सेक्शन में आठ नंबर क्वेश्चन कौन दे आइडेंटिफाई द टाइप अफ ट्राक्शन इन द इमेज तो ये जो इमेज टी जो ट्राक्शन टीटा कौ इमेज बा कौ ट्राक्शन तो अप्सन भितर आपको रईट आनसर बाछबार अच्छी तो भलसे आगे इमेज टी देखी निपर आम अप्सन को जी अप्सन देखो ऑप्शन कौन दे ना हैमिल्टन रसेल ट्रैक्शन ना बॉक्स ट्रैक्शन ना बैलेंस ट्रैक्शन ना गैलोज ट्रैक्शन ठीक अच्छे तो यहाँ कौ ट्रैक्शन आपको ये कमेंट करार अच्छे यदि आपको राइट आंसर जाना अच्छे तो तले सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो आम आप कमेंट अपेक्षा रही आपंकर कमेंट निश्चय रिप्लाई देव देखा केत पा राइट आंसर दौरान आउ के पिला निज पढ़ा प्रति निज पाठ प्रति कनसर्न अच्छा ठीक अच्छे तो जदि आपको आर राइट आंसर जाना ना तो निश्चिंत नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ नेक्स्ट वीडियो आसला मात्रे आपने निश्चिंत आर राइट आंसर फुल्ली एक्सप्लेनेशन सह जापर तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्राकियल ट्यूब फॉर ए न्यूबॉर्न ऑफ वेट 2000-3000 ग्राम कौन कहला ना गोटे एंडोट्राकियल ट्यूब गोटे न्यूबॉर्न रे आमर केते साइज जोटा कि तार वेट केते देछि ना 2 kg to 2 kg दैट इज 3 kg ठीक अच्छे गोटे न्यूबॉर्न बेबी को एंडोट्राकियल ट्यूब आम के सैज दवा जार कि वेट अच्छी 2 kg to 3 kg बाम 2000 ग्राम रु 3000 ग्राम तो ऑप्शन देखते 4 mm ना 3 mm ना 2.5 mm ना 3.5 mm तो राइट आंसर कौन हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये चार्ट ऑप्शन भितर आपको जब राइट आंसर जाना अच्छी तो सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो देखो ये भाव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आसवर अच्छी आज तो आम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग डिस्कसन कले भाव आम बहुत सारा आम रहा जो नर्सिंग क्लासेस आम बहुत सारा डिस्कसन करवा तो से आने चैनल को जाकर सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को अल्ले रखुद जमीक किसी भी छोट बड़ अपडेट आपने निश्चिंत आग पारे और भिडियो को सर्वप्रथमें आपने देखिपारे ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज आम 2 kg to 3 kg गोटे जदि आम चाइल्ड अच्छी न्यूबॉर्न बेबी अच्छी आम केजर एंडोट्राकियल ट्यूब देवा दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज 3.5 mm ठीक अच्छे तो 3.5 mm आम एंडोट्राकियल ट्यूब बा ईटी ट्यूब प्रोवाइड करवा ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दौर तार साइज चार्ट टी कौन देखो आम वेट केजर देवा तार गोटे अच्छी जोटा आमर देखो जदि आम लेस देन गोटे के जी बा 1000 ग्राम रोची आम 2.5 mm रटी ट्यूब देवा देन जदि आम 1 kg to 2 kg रोचे देन 3 mm देन जदि आम 2 kg to 3 kg रोचे देन आम 3.5 mm देवा देन 3 kg to 4 kg रोचे देन आम 3.4-5 mm दे पार देन ये सब केस हूँ यहाँ नर्माली देन जदि आम बेबी अकॉर्डिंग टू बाथ जदि बाथ वेट आम बाथ वेट जदि अधिका अच्छी बेबी किसी भी रहा जो आम ट्राकि साइज मानने अधिका अच्छी कम अच्छी अकॉर्डिंग टू फिजिशियन एटा दि जाए कि नर्माली यही आम यही एज्र यही आम वेट्र यही साइज सब आम इटी ट्यूब प्रोवाइड करा जाए थे ठीक अच्छे तो भावे आपश्चिंत बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन अच्छी ना इम्युनोग्लोबुलिन प्रेजेंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क तो आम इम्युनोग्लोबुलिन कौ इम्युनोग्लोबुलिन आम ब्रेस्ट मिल्क रे प्रेजेंट अच्छे ये आपको राइट आंसर कहबार अच्छे ऑप्शन ए देखो IgA ना IgM ना IgG ना नन अफ दि एबव तो ये चार ऑप्शन भितर राइट आंसर कौन हम तो जल्दी जल्दी जी आपको जना अच्छे सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो आम ब्रेस्ट मिल्क रे कौ इम्युनोग्लोबुलिन आम प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज इम्युनोग्लोबुलिन ए इम्युनोग्लोबुलिन ए आमर ब्रेस्ट मिल्क रे प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे तो एक्सप्लेनेशन में देखो कौन दे द मोस्ट द मोस्ट अब्यूडेंट इम्युनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन मिल्क इज IgA व्हिच रिप्रेजेंट्स ओवर 90% ऑफ मिल्क एंटीबॉडीज
However, immunoglobulins G and M are also present, but in concentration much lower than IgA. ठीक अच्छी तो ये जो ऑप्शन दे IgM और IgG ये भी आम प्रेजेंट थाए ब्रेस्ट मिल्क रे, किंतु बहुत कम मात्रा रे थाए और बहुत अधिक मात्रा रे थाए आमर दैट इज IgA. तो से राइट आंसर है IgA. तो ठीक अच्छे जमा भी कन्फ्यूज हो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क दैट इज IgA. ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग सुड बी प्रोभाइडेड टू दि बेबी. तो आम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग कहे आम के मन्थ जाए आम बेबी को प्रोभाइड करवा ब्रेस्ट फिडिंग. तो अप टू 2 months ना अप टू 5 months ना अप टू 6 months ना अप टू 9 months. तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग कहले आम बेबी को केते दिन जाए आम ब्रेस्ट फिडिंग प्रोभाइड करवा. ठीक अच्छे तो यही चारिटे ऑप्शन भितर आपको राइट आंसर कौन हम जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु. भाजपा ये क्वेश्चन बहुत पिला निश्चिंत आसो. ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज अप टू 6 months. आम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग कहले आम टोटाल 6 months जाए आम किसी भी आम जोटा कि रहा किसी भी महू कि पा किसी भी ना केवल ओनली ब्रेस्ट ब्रेस्ट फिडिंग जोटा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग कहुए के अप टू 6 months. ठीक अच्छे तो आपको एक्सप्लेनेशन देखे देखो WHO एंड यूनिसेफ रेकमेंडेड दैट चिल्ड्रेन इनिशिएट ब्रेस्ट फिडिंग विदिन द फास्ट आवर्स ऑफ बर्थ and be exclusively breastfed for the first 6 months of life, meaning no other foods or liquid are provided including water. Infants should be breastfed on demand that is as often as the child wants day and night. ठीक अच्छे कौन कहला ना अकॉर्डिंग टू WHO और यूनिसेफ आम बेबी मान चिल्ड्रेन मान केवल केवल ब्रेस्ट फिडिंग दिजाव के 6 months जाए जोटा कि आम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग देन केवल ब्रेस्ट मिल्क कहले किसी भी वाटर भी जीवनी जोटा कि आम किसी भी लिक्विड किसी भी खाद्य जीव ना केवल ब्रेस्ट फिडिंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क दैट इज 6 months जाए आम केवल बेबी को दिहब जोटा कि आम कौन बोल कहू दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिडिंग. ठीक अच्छे जमा भी भूलिनी. तो ठीक अच्छे तो यहाँ देखो यहाँ हूँ आम फोनपे आ पेटीएम नंबर जदि आपड़ोटी टी भी हेल्पफुल लगता है आम हार्डवर्क को देन आपर्ट करने चाहते देन आपड़ किसी भी पे करेंगे आपसीटी अनुजाई जो मैंने प्रीवियस वीडियो देखिए पे करते बहुत बहुत धन्यवाद. तो ठीक अच्छे यहाँ थी आज वीडियो लास्ट क्वेश्चन जदि आपको वीडियो टी भी भल लगता है निश्चय वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ और आपंक सांग सहित आपंकर सब ग्रुप वीडियो को सेयार करूँ. हाँ जब सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी जाए सब्सक्राइब करूँ तो बेल आइकन को अल रखु आदि आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन होना तो जल्दी जल्दी जाए जॉइन होती सेठी आम किसी भी न्यू अपडेट छाड़ू आपने सर्वप्रथमें पारे. तो ठीक अच्छे आमको यही भाव सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करूँ जब बिंग एन नर्सर गोटे मेम्बर होगा चाहते सब्सक्राइब बटन साइड में गोटे जॉइन बटन अच्छे से क्लिक करूँ आठ जाकर जॉइन हो जातु. ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे आज ये भिडियो रखा नेक्स्ट देखा आगामी एमती गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो सहित. तो आज रही जय जगन्नाथ.